गुड मॉर्निंग क्लास स्टैंडर्ड सी वन सिविक्स चैप्टर वन ऑन इक्वालिटी। वी वर डिस्कस अबाउट इन अवर लास्ट लेक्चर इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन द क्लास सिक्स बुक। वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये हमने सारे पढ़ लिए है और ये जो चैप्टर है उसमें हमें वो सीखना है कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात कही थी कि इक्वालिटी राइट टू वोट, तो जो वोट के लिए जो लाइन थी वहाँ पे बहुत सारी इक्वालिटी थी कि सबके सब जो पुअर और रिच पीपल है वो सबके सब वहाँ पे लाइन में थे, और जो हॉस्पिटल में लाइन थी वहाँ पे नहीं थी। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पहले बताई थी जो लास्ट लेक्चर लिया था तब। आज हम कुछ और स्टोरी पढ़ेंगे, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। ये टॉपिक हम बड़े ये पहले आप ये ऐड देख लो, यहाँ पे देखो कास्ट नंबर एससी, और यहाँ पे भी गुप्ता बॉय, और यहाँ पे भी तमिल ब्राह्मण। ओके ये ऐड है। अब हम पढ़ते हैं स्टोरी। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लाइव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience equality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. यहाँ पे हमने कांता की स्टोरी देखी थी पहले। तो कांता है वो सोच रहे अपने माइंड में कि पुअर पीपल और रिच पीपल है उसमें बहुत सारा डिफरेंट है, और जो वोट की जो लाइन थी वहाँ पे सारे के सारे लोग पुअर और रिच सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े थे, और वो हॉस्पिटल जाते तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे वो सोच रही थी ऐसा क्यों, ऐसा वो मन में सोच रही। इक्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हमें समान दर्जा मिलता है हमारे यहाँ पे, तो ये बहुत सारी अच्छी बात है। और यहाँ पे हम बेस्ट स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि इक्वालिटी क्या है। One of the more common forms of inequality in India is the caste system. मैंने आपको ये पहले क्यों ऐड देखने को कहा है अब आपको पता चल गया होगा। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learn or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at this matrimonial shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. यहाँ पे हम जब छोटे थे तब से हमें कास्ट, हमारा जो कास्ट है वो हम कास्ट में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम छोटे थे तब हमें पता नहीं चल रहा था, मगर जब हम यंग हुए तो हमें रहते रहते पता चल गया, हमारे एक्सपीरियंस हुआ कि कास्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कास्ट से हम एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट में शादी या ऐसा कुछ रिलेशन भी नहीं बनाते। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो कुछ ऐसे भी एरिया है वहाँ पे कास्टिज्म नहीं माना जाता, ऐसे सबको एक ही समान दर्जा मिल जाता है। तो ये बात थी हमारे जो स्टोरी की है
वो अब हम आगे बढ़ेंगे कि स्टोरी क्या है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई गुप्ता है तो उसका जो नेम होता है उसमें गुप्ता लगता है, तो ऐसे ही कास्ट में हम पहचाने जाते हैं। ओके, छोटे थे तब तो हमें पता नहीं चलता, मगर जब हम बड़े हुए तो हमें ये पता चल जाता है। स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। यहाँ पे एक बच्चा है, दलित बच्चा, वो स्कूल जाता है, उसके रिलेटेड स्टोरी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास सिक्स बुक। आपने जो सिक्स की बुक थी वहाँ पे आपने पढ़ लिया है। दलित इज द टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। यहाँ पे हमने दलित है उनके बारे में हमने सिक्स की क्लास सिक्स की जो बुक है उसमें हमें पढ़ लिया है। यहाँ पे हमें एक स्टोरी पढ़नी है कि पहले से दलित है उनको हम जो लोअर कास्ट ऐसा है पॉइंटिंग देते सब, और यहाँ पे हम उस बच्चे की बात करेंगे कि जो स्टोरी में पहली स्टोरी हमारी का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इज अ फेमस दलित राइटर, वो राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी बायोग्राफी में बताया कि चुथन ही राइट्स उनका नाम है सर चुथन ही राइट्स आई हैड टू शीट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। द मेट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव टू सीट वे बियॉन्ड एवरीबडी राइट नियर द डोर। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो राइटर है, और वो लिखते अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि वो क्लास में जाते हैं तो क्लास में उनको सभी बच्चों से कुछ अलग डिफरेंट जगह पे बिठाया जाता है, और उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डोर है वहाँ पे बिठाया जाता है। और उन कई सारे बच्चे क्लास में ऐसे भी है कि बिना वजह उसे पीटते रहते हैं। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। कभी कभी जो बच्चे हैं वो कुछ भी रीजन के बिना उनको पीटते रहते हैं। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब वो फोर्थ में था तब उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश को बोला कि तुम्हें जो स्कूल का प्लेग्राउंड है पूरा का पूरा तुम्हें स्वीप करना है, झाड़ू लगाना है, पूरा का पूरा साफ सफाई करना है, ऐसा उनको बोला। He writes, The playground was way larger than my small physical could handle, and in cleaning it, my back began to ache. कि जब मुझे ऐसा बोला हेडमास्टर ने तब जो प्लेग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, और वो वहाँ पे झाड़ू लगाते बहुत थक गया था, और वो उनकी जो पीठ है वो भी बहुत सारी दुख रही थी, और माय फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और उनका जो फेस है वो डस्ट से भरा हुआ था। डस्ट हैज गॉन इनसाइड माय माउथ, और डस्ट भी कुछ ऐसे थे कि वो मेरे माउथ में चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे थे और मुझे देख रहे थे, ऐसा वो लिख रहे हैं अपनी स्टोरी में। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वीप्ड द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सो दिस स्पेक्टिकल।
तो यहाँ पे वो बोल रहे थे, ओम प्रकाश बोल रहे थे कि मुझे पानी पीने की भी अलाउड नहीं था, मुझे पानी पीने का भी अलाउड नहीं था, और सभी बच्चे थे वो मुझे देख रहे थे और टीचर भी मुझे देख रहे थे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सो हिज सन स्वीपिंग। और बाद में वो पूरा दिन करता रहता है काम, और उनके जो फादर है वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनके स्कूल में देखते हैं कि वो अपने स्कूल में स्वीपिंग कर रहा है, वो अपने स्कूल में झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही शेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तो वो स्कूल में अपने बच्चे का जो है वो हाथ हैंड पकड़ के वो वहाँ पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप एक टीचर हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मगर याद रखना कि मेरा बच्चा यहीं बढ़ेगा और ऐसे बहुत सारे बच्चे यहीं बढ़ेंगे, ऐसा वो बोल के वो चले जाते हैं। अब हम सेकंड स्टोरी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।